एक एनिमेटेड मूवी मैंने देखी थी ट्रांसफॉर्मर 1 करके, मुझे वो मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी। उस मूवी को देखकर एक तरीके से मूड काफी ज्यादा फ्रेश हो गया था, काफी अच्छी मूवी थी। तो एक एनिमेटेड मूवी एक और आने वाली थी, उसको लेकर भी मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हो गई थी कि यार ये मूवी भी बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले द वाइल्ड रोबोट मूवी के बारे में। इस मूवी के नाम को लेकर कोई गलत मतलब मत निकाल लेना, कहीं सोचो कि वाइल्ड दूसरे टाइप वाला वाइल्ड है, नहीं, यहाँ वाइल्ड का मतलब वाइल्ड है, मतलब अच्छे मीनिंग वाला वाइल्ड है। खैर छोड़ो, जब वीडियो में आगे चलेंगे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो अब तक शायद ये मूवी थिएटर से हट चुकी होगी, क्योंकि ये मूवी मैंने देखे हुए काफी टाइम हो गया, ऑब्वियसली वीडियो बनाने में काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, वही आलस वाला रीजन हर बार की तरह के फेल देते हैं वही चीजें। तो अगर आपके आसपास के थिएटर में लगी हुए तो बेशक जाके देख लेना, लेकिन अभी वीडियो कंप्लीट करके जाना। तो मूवी कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है, इसके ऊपर आएंगे, बट पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। तो एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर रोबोट ही रोबोट आ चुके हैं इंसानों के काम के लिए, हर काम के लिए रोबोट ही रोबोट है। मतलब इसको अच्छे वे में लेना, अगर इंसानों के बच्चों के लिए खेलना किसी के साथ है तो वो रोबोट है, उनके लिए खेलने के लिए पेट के रूप में रोबोट है। तो इतने हाईटेक यहाँ पर रोबोट दिखाए गए हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जिनका खुद का दिमाग डेवलप होता है, और एक ऐसी ही शिप, हवाई जहाज समझ लो, शिप और हवाई जहाज तो एक ही होते हैं। तो एक हवाई जहाज से या शिप से एक रोबोट जो है बाय एक्सीडेंट जंगल में गिर जाता है। इस रोबोट का नाम होता है रोज। ये एक फीमेल रोबोट है, और फीमेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज से वो फीमेल लगती है, मतलब फीमेल मेल खैर छोड़ो। और जब ये रोबोट जंगल में गिरती है तो जब ये ओन होती है तो ये देखती है कि अपने आसपास जो है इसके जानवर ही जानवर हैं। अब जैसी इसकी प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि इसको कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करना है, जो इसको कमांड देगा वो उस कमांड को पूरा करके उस टास्क को कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पर इसको एक बतख का बच्चा जिसका नाम ब्राइट लाइट होता है, तो ये बतख के बच्चे को पालन पोषण करती है, उसका टास्क दिखाया जाता है कि भाई इसका पालन पोषण करना ही तेरा टास्क है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का रिलेशन यानी रोज और ब्राइट लाइट के बीच का जो रिलेशन है डेवलप होते हुए इस मूवी के अंदर में दिखते हैं। तो क्या क्या वो प्रॉब्लम आती है, कितनी ज्यादा वो इंटरेस्टिंग होती है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर और हमें देखने को मिलती है, इन सब चीजों का सवालों का जवाब तो आपको ये मूवी देखने पर ही मिलेगा। ऑब्वियसली मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बताने वाला, मुझे गाली खाने वाले काम थोड़ा ना करने। तो ये हुई मूवी की कहानी, अब बात कर लेते हैं इस मूवी में क्या इंटरेस्टिंग है। जो सबसे बढ़िया एक पॉइंट मुझे इस मूवी के अंदर लगा वो एक रोबोट के अंदर फीलिंग का डेवलप होना, इसके अंदर जो एआई को लेकर यहाँ पर जो ये जानवरों को सीखती है, उनके उनको समझने की कोशिश करती है रोज, तो वो सब चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एक उसके अंदर प्यार की एक भावना का पैदा होना, अब स्टार्टिंग में जैसे देखेंगे कि रोबोट अपने आसपास जानवरों से घिरी पाती है और हर जानवर इसे डर के भाग रहे हैं, फिर ये कैसे उन जानवरों से दोस्ती करती है, कैसे उनके अंदर अपने एक ट्रस्ट का भाव ये पैदा करती है, और फिर ब्राइट लाइट और रोज के बीच का जो रिलेशन डेवलप होता है वो देखने में काफी ज्यादा इमोशनल आपको लगेगा, वो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये एक ऐसी जर्नी रहेगी आपकी मूवी जब आप ये देखेंगे, जिसके अंदर आप हंसेंगे, आप डेफिनेटली रोएंगे भी, आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे थ्रू आउट द मूवी, ऐसा फील होगा क्योंकि ऐसे सीन इस मूवी के अंदर आएंगे। एनिमेशन की बात करूं तो देखो यार मूवी काफी ज्यादा सुंदर है, जो भी जंगल को लेकर एक वाइल्ड लाइफ को लेकर चीजें इसके अंदर दिखाई जाती है वो बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से आपके सामने रखी गई है। और मूवी के अंदर ऑब्वियसली ये एक रिलेशन तो हमें डेवलप होता दिखता है, लेकिन इस रिलेशन के बीच में ये जो कहानी चल रही होती है यहाँ पर कॉमेडी वाले सीन भी रखे गए हैं, जो एक फॉक्स एक लोमड़ी और रोज को लेकर यहाँ पर आते हैं, या रोज और जो लोमड़ी है एक ब्राइट लाइट है, इन तीनों को लेकर जो एक कॉमेडी वाले सीन यहाँ पर रखे गए वो इतने परफेक्ट तरीके से रखे गए हैं कि आपको वो जबरदस्ती फील नहीं होंगे कि यार ये बिना वजह के चीज डाल दी, ऐसा नहीं है, वो एकदम परफेक्ट है। वो उस चीज को आप देखेंगे डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा हंसेंगे, आप उसे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होगा। मूवी की एंडिंग भी बहुत बढ़िया है, इवन जब आप ये मूवी देखकर थिएटर से बाहर निकले, अगर आपके नजदीकी थिएटर्स में लगी होगी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके दिमाग में वो सब चीजें चल रही होंगी। एक रोज का जो करेक्टर यहाँ पर एक रोबोट के तौर पे दिखाया गया है, जैसे उसका बिहेवियर आप समझ लो जैसे इसमें मूवी में दिखाया गया, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि उसमें डेप्थ की जरूरत थी, कुछ चीजें हमें और देखनी चाहिए थी, वो एक नेगेटिव का पार्ट है। तो ये हो गई मूवी की अच्छी अच्छी बातें, काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कर ली, अब बात करते हैं कि मूवी में कमियां क्या है। अब देखो हम कोई अच्छी मूवी देख लेते हैं फिर उसके अंदर कोई कमी निकालने वाली बात होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज लगती है, क्योंकि यार हमने उस मूवी के अंदर देखो मैंने इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, हंसा भी था, लेकिन अब उस वक्त मेरा ध्यान नहीं रहा इसके अंदर कमियां क्या है, तो वो एक मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज हो जाती है कि यार हाँ इसके अंदर अब कमियां भी निकालनी। हालांकि जो मुझे कमी इसके अंदर लगी, देखो इसकी लेंथ 1 घंटे 40 मिनट के आसपास है, तो कुछ एक सीन इस मूवी के अंदर ऐसे थे कि अगर उनको हटा देते तो काफी ज्यादा अच्छा होता, ये मूवी 10 मिनट भी कम कर सकते थे, यानी 1 घंटे 30 मिनट में मूवी खत्म हो जाती। बाकी मूवी के अंदर वही फ्रेंडशिप केयर ट्रस्ट को लेकर
लेकर चीजें दिखाई गई हैं जो हमें रिपीटेड सी महसूस होती हैं कि यहाँ पर ये वाली चीजें हम ऑलरेडी मूवीज के अंदर भी देख चुके हैं, बार बार हमें ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। और मूवी के लास्ट में जाते जाते एक आग वाला सीन भी आता है, फायर वाला सीन भी आता है, वो मुझे काफी ज्यादा वीक लगा। वहां पर अच्छे से चीजों को दिखाते तो काफी बढ़िया हो गया। देखो ये है इसकी छोटी मोटी कमियां जो मैंने धक्के से निकालने की कोशिश की है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस मूवी को लेकर, तो आपको एक डिसेंट कहानी देखने को मिलेगी जो आपको इमोशनल कर देगी, जो आपको हंसाएगी भी, आपको बहुत अच्छा फील भी कराएगी। एक अच्छे मैसेज के साथ ये मूवी आती है। ड्रोज का जो करेक्टर वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जैसे मैंने कहा इसमें डेप में हमें चीजें दिखानी चाहिए थी, उसके बारे में और हमें बताना चाहिए था, लेकिन वो सब चीजें हमें नहीं बताई जाती है। बेशक आप अपने परिवार के साथ ये मूवी देख सकते हैं, एक अच्छे मैसेज के साथ ये मूवी एंड होती है। हालांकि काफी सारे मूवीज हमने ऐसी देखी है जहां पर हमें फ्रेंडशिप, एक साथ रहना, प्यार से रहना, एक दूसरे की केयर करना, ट्रस्ट करना, ये सब चीजें हमें सिखाती है, वही इस मूवी के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। बाकी देखो मेरी तरफ से तो मैं इसको देना चाहूंगा 7 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों कैसे लगी। अगर नहीं देखी तो जैसे मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ आप इसको देख सकते हैं। कोई भी वल्गर सीन नहीं, कोई भी वल्गर डायलॉग नहीं है, बहुत अच्छे डिसेंट एक कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।